कई दिनों से अटका पड़ा कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को हो गया है। डिप्टी सीएम बने एनसीपी नेता अजीत पवार को वित्त जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही उनके हिस्से योजना विभाग भी आया है। वहीं उनके साथ शरद पवार का साथ छोड़कर आए एनसीपी नेता छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुश्रिफ को भी अहम विभाग मिले हैं। सबसे बड़ी बात है, इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने अधिकांश विभाग खोकर एनसीपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है, जबकि सीएम एकनाथ शिंदे को अपना कृषि विभाग गंवाना पड़ा है। हालांकि एनसीपी की ओर से हुई कड़ी सौदेबाजी में सीएम शिंदे बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं किसे क्या मिला है। वित्त मंत्रालय अजीत पवार, कृषि मंत्रालय धनंजय मुंडे, सहकार मंत्रालय दिलीप वालसे पाटिल, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय हसन मुश्रिफ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग छगन भुजबल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धर्मराव अत्राम, खेल मंत्रालय अनिल भाईदास पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण विभाग अदिति टटकरे।